एक महान राजा बन गया था। तब उसके पुत्र सुलेमान ने सुलेमान के मरने के बाद परमेश्वर के लोगों के बहुत बुरे राजा हुए। सब बुरे राजाओं में से एक था। उसकी पत्नी इजेबेल झूठे देवता करती थी। आहाब और परमेश्वर के लोगों की आराधना के लिए कायल कर लिया। उनके पापों के कारण परमेश्वर ने बारिश रोक दी। तब उसने उसके नबी एलिया को राजा तूने परमेश्वर की आज्ञा और बाल की आराधना की है। एलिया ने कहा हर एक को नबियों को भी कि वो मुझसे पहाड़ कर्मेल पर मिले। मैं प्रमाणित करूंगा कि किसका परमेश्वर सच्चा है। कोई पहाड़ पर एकत्र हुआ। तब एलिया ने लोगों से कहा अपने मन में ठान लो अगर प्रभु परमेश्वर है उसके पीछे चलो। फिर भी अगर बाल आज स्वयं को प्रमाणित करता है तो उसके पीछे चलो। बाल के नबी और मैं एक बछड़े को मारेंगे, इसे वेदी पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। तब जो परमेश्वर बछड़े को जलाने के लिए आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर है। बाल के नबी पहले गए। उन्होंने पूरी सुबह बाल की प्रार्थना की। कोई आग नहीं आई। शायद बाल सो रहा है। एलिया हंसा। जोर से आवाज लगाओ। इसलिए बाल के नबियों ने दोपहर तक चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना की। फिर भी कुछ नहीं हुआ। एलिया ने एक वेदी बनाई। उसने उस पर बछड़े और उसने इसके इर्द गिर्द एक गड़हा खुदवाया। तब उसने इस पर तब तक पानी रखा भर नहीं गया। एलिया ने प्रार्थना की। तुरंत आकाश से आग गिरी। इसने पत्थरों और पानी को जला दिया। लोगों ने दंगा किया प्रभु परमेश्वर है।